पर नए वीडियोज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले नोएडा का फोर्टिज हॉस्पिटल, जो कि सामने लोकेशन में आप देख सकते हैं भव्य जो आपको बिल्डिंग नजर आ रहा है, ये फोर्टिज हॉस्पिटल का है जो कि नोएडा में मौजूद है सेक्टर 62 में। और यहाँ पे आप कैसे आएंगे, कैसे आप ओपीडी कराएंगे, कैसे इमरजेंसी में आप चेकअप कराएंगे, इन सभी चीज़ों पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी हम रोड के इस किनारे आप देख सकते हैं, अभी हम उस साइड जाएंगे तो आपको अंदर का वीडियो दिखाएंगे। यहाँ पे आने के लिए आप देख सकते हैं जो सामने आपको लोकेशन मिलेगा, जस्ट यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है जो कि सेक्टर 62 मिलता है। सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन में आपको, अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो सेक्टर 62 में आपको उतरना है, नोएडा सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन में, जो कि एग्जिट होना है गेट नंबर 2 से। गेट नंबर 2 से जैसे ही एग्जिट होंगे तो सामने से देख सकते हैं 10 कदम आगे आप चलेंगे तो आपको ये जो है हॉस्पिटल का बिल्डिंग नजर आ जाएगा, जहां पे आप दिखा सकते हैं या फिर कुछ करा सकते हैं। अगर आपको कैब के सहारे आते हैं तो इसका लोकेशन डालेंगे फोर्टिज हॉस्पिटल का, तो आपको जो है कैब यहाँ पे लाके छोड़ देगी। अगर आप मेट्रो से आते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जब भी आप आते हैं तो मेट्रो से आए, ज्यादा खर्च नहीं पड़ेगा जब भी आते हैं। नोएडा लाइन का आपको मेट्रो पकड़ना है और सेक्टर 62 में उतरना है। सेक्टर 62 में जैसे ही उतरेंगे, सामने का लोकेशन से आएंगे तो ये आपका फोर्टिज हॉस्पिटल नजर आ जाएगा, सेक्टर 62 में ही मौजूद है, जो कि मेट्रो से जैसे ही एग्जिट होंगे आपको नजर आ जाएगा। 2 नंबर गेट से आपको एग्जिट होना है। तो अभी हम आपको अंदर ले चलते और दिखाते हैं इसके अंदर। मेन गेट है फोर्टिज हॉस्पिटल का, जो कि यहाँ पे एंट्री ओनली 8 AM से 8 PM तक है, यानी कि एंट्री और एग्जिट 8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक है। ये है मेन गेट, जो कि मेट्रो से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, ये देख सकते हैं मेट्रो से एग्जिट होंगे तो यहीं से आपको इन होना। अभी हम आपको अंदर ले चलते हैं। जी दोस्तों, एंट्री से अंदर आएंगे आप मेन गेट से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कार पार्किंग पूरी तरीके से चारों तरफ लगाया गया, जहाँ पे कार पार्किंग और साथ साथ में बाइक का पार्क कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल का पूरा बिल्डिंग है जो कि आपको नजर आ रहा होगा इस तरीके से। अभी हम आपको अंदर ले चलते हैं, अंदर भी दिखाते हैं ओपीडी कहाँ होता है। तो ये पूरा जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये नोएडा सेक्टर 62 में मौजूद है, जो कि मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में। आपको कहीं भी दौड़ने का जरूरत नहीं, मेट्रो से नीचे उतरेंगे ही आपको ये नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है और ये मेन गेट है जहाँ से आप इन करेंगे। अभी हम अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये अंदर का लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओपीडी वगैरह कहाँ होता है अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क है जहाँ पे हेल्प वगैरह आप ले सकते हैं, और जो भी है रेडियोलॉजी या फिर जिस विभाग में आपको जाना, अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से लगा गया एरो, जिसके सारे आप देख सकते हैं। जैसे ही एंट्री लेंगे तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा, पूरी तरीके से बहुत ही बेहतरीन बनाया गया, और अलग अलग ओपीडी का अलग अलग सीक्वेंस बनाया गया जहाँ पे आप ले सकते हैं। अभी हम और भी अंदर ले चलते और दिखाते हैं। फोर्टिज हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 1996 में किया गया और लगभग अब देश के कई हिस्सों में इसका ब्रांच खुल चुका है। फोर्टिज हेल्थ केयर लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट तौर पे ये अस्पताल है जहाँ पे अच्छे इलाज किए जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट अस्पतालों में से एक माना जाता है। आप देख सकते हैं नोएडा का, जब इस जगह पे आप जाएंगे तो सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे बुकिंग करेंगे, ओपीडी जो है आप लेंगे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसका वेबसाइट में जाके, और यहाँ से ऑफलाइन करा सकते हैं, जो कि जैसी एंट्री लेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा जहाँ से फोर्टिज अस्पताल। देख सकते हैं यहाँ पर ओपीडी कराने के बाद यहाँ पर बिलिंग करा सकते हैं और उसके बाद अच्छे अच्छे डॉक्टर से आप दिखा सकते हैं। तो ये है फोर्टिज अस्पताल नोएडा का लोकेशन, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और अभी जो है ये सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से एक माना जाता है। मोहाली में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें से एस्कॉर्ट ग्रुप के साथ मिलकर देश के कई राज्यों में इसका अब ब्रांच खुल चुका है, जिसमें नोएडा, गुड़गांव और बहुत सारे जगह जहां पे दिखा सकते हैं। फॉर्म आपको इस तरीके से भरना पड़ेगा फोर्टिज हॉस्पिटल में जब भी आप आते हैं। यहाँ पे नाम, डॉक्टर नाम, पैन कार्ड, एज, डेट ऑफ बर्थ, मटेरियल और कौन सा आप हैं, पासपोर्ट नंबर, लैंग्वेज, प्रेजेंट एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, ये सारा कुछ, और क्या दिक्कत है आप देख सकते हैं यहाँ, क्रेडिट कार्ड, कास्ट। जब भी आप पहली बार आते हैं तो आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन जो है ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क बना हुआ है, यहीं पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप अंदर आएंगे, ये देख सकते हैं ये है, यहाँ से आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे भरने के बाद इसको आप ओपीडी करा सकते हैं, ओपीडी का, और उसके बाद आप जो है दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फॉर्म मिलेगा दोस्तों, जब भी आप पहली बार आते हैं दिखाने के लिए तो सबसे पहली बार में आपको इस तरीके से फॉर्म मिलेगा। ओपीडी बिलिंग, एंट्री गेट है दोस्तों, जब भी आप फोर्टिज हॉस्पिटल आते हैं तो सबसे पहला जो गेट मिलता है आपको इस तरीके से मिलता है। यहाँ से अंदर आएंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से बैठने का सुविधा है, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं
और बैठने के पश्चात आपको पहली बार आते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा यहाँ पे जाने के बाद। उसके बाद ओपीडी कराना पड़ेगा। ओपीडी कराने के बाद जस्ट बगल में यहाँ पे ओपीडी बिलिंग है जहाँ पे आप ओपीडी बिलिंग करा सकते हैं। और ये पूरा जो देख सकते हैं हमेशा यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। नोएडा सेक्टर 62 का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। तो इतने सारे लोग अभी भी हैं जो कि ये दिखाने कुछ ना कुछ बीमारी है और वो दिखाने के लिए आए हैं। तो यहाँ अलग अलग बोर्ड लगा हुआ, साइनिंग लगा हुआ, जो कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर अलग अलग फ्लोर है और अलग अलग रूम बने हुए हैं। जिस तरीके से आपका ये सामने मेट्रो गुजरती है तो मेट्रो के बगल में ही ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं दिखाने के लिए। तो फोर्टिज अस्पताल का हम ये आपको दिखा रहे थे। ओपीडी जस्ट यहाँ बगल में होता है, जैसे ही अंदर आएंगे ओपीडी पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें जो मैंने आपको दिखाया है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हेल्प डेस्क लगा हुआ है, यहाँ से भरने के बाद आप यहाँ पे ओपीडी करा सकते हैं, तत्पश्चात आप यहाँ पे बिलिंग करा सकते हैं। तो ये पूरा जो, और यहाँ पे हेल्प डेस्क भी है सामने देख सकते हैं, हेल्प डेस्क है जहाँ पे हेल्प, अगर आपको कोई भी जानकारी ना हो तो पहली बार आ रहे हैं तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और ये पूरा दृश्य आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। तो बहुत ही स्वच्छ रखा गया, नीचे अगर आप देखें तो बहुत ही स्वच्छ रखा गया और पूरी तरीके से काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ पे आते ही रहते हैं। तो ये फोर्टिज अस्पताल का है, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल काउंसलिंग रूम है इस साइड पे है। तो इस तरीके से अलग अलग जो रूम है वो बने हुए हैं। अगर आपको जो है और भी दूसरा रोग है तो उसके लिए अलग ओपीडी होता है। अलग अलग रोग, जो भी आपका अलग अलग बीमारी, उसका अलग अलग जो है सॉल्यूशन होता है, अलग अलग ओपीडी आपको कराना पड़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी हम और भी जानकारी आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियोज में। तो दोस्तों, जैसे आप फोर्टिज हॉस्पिटल आएंगे तो बगल पे आपको कैंटीन का सुविधा मिल जाएगा, जहाँ पे कैंटीन है। ये सामने जो आपको लोकेशन दिख रहा है ये कैंटीन का व्यवस्था है, जहाँ पे जब भी आप आते हैं हॉस्पिटल तो जस्ट उसी के बगल में जहाँ पे यहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। कैंटीन का सुविधा देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं वो ले रहे हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे आप जब आप आएंगे हॉस्पिटल पे, हॉस्पिटल बिल्डिंग के बगल पे ही है जहाँ पे आप कैंटीन में कुछ खाना पीना खा सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे दिखाने के लिए आते हैं तो यहाँ पे खाना पीना खा के फिर आप जा सकते हैं। इसके अंदर जो है हॉस्पिटल है, पूरा बिल्डिंग आपको हॉस्पिटल का ही नज़र आ जाएगा। दोस्तों, इमरजेंसी वार्ड, जब भी आपका इमरजेंसी केस होता है, जब भी पूरी इमरजेंसी है तो यहाँ पे एम्बुलेंस हमेशा रहती है और यही इमरजेंसी गेट है जहाँ से आप इमरजेंसी में दिखा सकते हैं, जो कि गेट नंबर 2 की ओर से आपको एंट्री लेना पड़ेगा और यहाँ से आप इमरजेंसी वार्ड के लिए दिखा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एम्बुलेंस आप देख सकते हैं सामने लगी हुई है। तो ये इमरजेंसी वार्ड है जहाँ से इमरजेंसी के लिए फोर्टिज हॉस्पिटल जो नोएडा का है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये पूरा देख सकते हैं इमरजेंसी वार्ड, यहाँ पे लिखा भी गया है। तो इमरजेंसी वार्ड है जहाँ से आप दिखा सकते हैं। एम्बुलेंस की सुविधा हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहती है। इसके साथ साथ ये पूरा बिल्डिंग इमरजेंसी वार्ड का, जहाँ पे आप यहाँ पे ओपीडी कराने के बाद और फिर इमरजेंसी वार्ड में दिखा सकते हैं। ये पूरा स्पेस में आप देख सकते हैं कार पार्किंग है, जहाँ पे कार वगैरह आप रख सकते हैं, जो कि सेक्टर 62 में जैसे ही मेट्रो से निकलेंगे आपको ये बिल्डिंग नजर आ जाएगा, जो कि पूरी तरीके से हम आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल में कैसे आएंगे और क्या क्या चीजें हैं। तो ये इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड के लिए सामने का गेट है जो कि खुल जाती है और डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिखाने के लिए ले जाती है, जो कि ओपीडी होगा। ओपीडी के तत्पश्चात आप यहाँ पे फिर दिखा सकते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था वीडियो जो कि हम दिखा रहे हैं आपको, फोर्टिज हॉस्पिटल नोएडा का, जो कि आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और जनरल वार्ड के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ से आप जो है ओपीडी वगैरह करा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया। हर जगह यहाँ पे एरो लगाया गया, एरो के सहारे आप ओपीडी देख सकते हैं कहाँ होता है और क्या क्या चीज़ें हैं। जानकारी था दोस्तों, फोर्टिज हॉस्पिटल जो कि नोएडा में मौजूद है, पीछे का लोकेशन में आप देख सकते हैं जहाँ से एंट्री गेट था जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। और ये पूरा बिल्डिंग आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े क्षेत्र में है और अलग अलग जो है यहाँ कार पार्किंग का भी सुविधा है, पूरी तरीके से लोग कार पार्क करके रखते हैं। साथ साथ में यहाँ पे जो ये पूरा है देख सकते हैं ओपीडी और सारा कुछ लिखा हुआ है कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये आपका वेबसाइट जो है इसका आप उसमें विजिट करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं और जान सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको दिखाया, कार पार्किंग कैसे करेंगे, कैसे आप आएंगे नोएडा सेक्टर 62 में आपको उतरना है, वहाँ से जस्ट बगल में है जो कि आप आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो आपको अच्छा है, वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियोज में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और ऐसा अपना होइएगा कि आपको हॉस्पिटल आना पड़े, लेकिन ये हॉस्पिटल का जानकारी जो था वो हमने आपको दिखाया। कैसे आप आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियोज में आशा है कि आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। ये एंट्री गेट है जहाँ से आप एंट्री लेंगे और ये पूरा बिल्डिंग है जो मैंने आपको दिखाया। अगले वीडियोज में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और यहाँ से अभी हमारा जो है अगले पड़ाव की ओर जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिए यही मेन गेट है।
जैसे ही आप आएंगे यहाँ जनरल वो जनरल में आप यहाँ पे अलग अलग जो कार पार्किंग है वो कार पार्किंग करके और यहाँ से आप इन करेंगे। ये पहला गेट है फोर्टिज अस्पताल अंदर जाने का। अंदर जाएंगे तो आपको दिखाएं कि कैसे आप ओपीडी कराएंगे और कैसे आप यहाँ पे इंक्वायरी करेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अंदर जाते ही आपको हेल्प डेस्क मिल जाएगा जहाँ पे हेल्प डेस्क में आप सहारा ले सकते हैं पहली बार आ रहे हैं तो, और यहाँ पे लिखा भी गया ओपीडी एंड सारा कुछ लिखा हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। और ये पूरा इन्फॉर्मेशन था, काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है दोस्तों, काफ़ी सारे बेड हैं इसके अंदर और अलग अलग बिल्डिंग है जो हैं वो बने हुए हैं, तो पूरा जानकारी था जो मैंने आपको दिया। ये मेन गेट है जहाँ से आप इन करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।